अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया। वेलकम करता हूँ आपको YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मई की 20 तारीख है और इस दिन तक तकरीबन 90% हमारी वीट यानी कि गंदम की क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है। दोस्तों, अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी गंदम को किस तरह से स्टोर करना है ताकि वो पूरा साल जो है सेफ भी रहे और डिफरेंट तरह के कीड़े मकोड़ों से भी उसकी हिफाजत हो जाए। दोस्तों, दुनिया में डिफरेंट मेथड से गंदम को स्टोर किया जाता है। कुछ जगह पर भड़ोलास के अंदर इसको जो है स्टोर किया जाता है, कुछ जगह पर साइलोस, इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स, जूट बैग्स और काफ़ी बेशुमार तरीके हैं जिनके अंदर गंदम को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ये सारे तरीके बेस्ट हैं और इनके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप गंदम को स्टोर करें तो आपने उसके अंदर एक चीज़ यूज़ करनी है। वो चीज़ क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फाइट, इसको गंदम की गोलियाँ भी कहते हैं। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी गंदम किसी भी तरह के हार्मफुल इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से उसकी हिफाजत हो जाती है, चाहे किसी भी तरह का इंसेक्ट हो। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हैं वो हैं सुसरी यानी कि लेज़र ग्रेन बोरर और खपरा बीटल। दोस्तों, अगर इन कीड़े मकोड़ों से इस हम अपनी गंदम की हिफाजत ना करें तो तकरीबन 50% तक हमारी जो गंदम है वो ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है अगर आप अपनी गंदम को एक लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर करना चाहते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो इस टैबलेट की 10 गोलियाँ इस बोतल में, जो डिफरेंट तरह की टैबलेट्स हैं आप देख भी रहे हैं, तो ये 10 गोलियां आपने यूज़ करनी है एक टन गंदम में, यानी कि 2.5 मन गंदम पे ये एक गोली यूज़ होगी, तो एक टन पे ये आपने 10 गोलियां यूज़ करनी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपकी गंदम जो है वो जूट बैग, प्लास्टिक बैग के अंदर है, एक लॉट की शक्ल में है, तो आपने इन गोलियों को रखने से पहले उस जो है लॉट है उसको आपने पॉलीथीन शीट से, जो है प्लास्टिक शीट से, आपने उसको कवर्ड कर देना है, चारों तरफ से अच्छी तरह देख लेना है कि वो कहीं से भी उसका एग्जॉस्ट ना हो, कहीं से भी सुराख वगैरह ना हो ताकि गैस बाहर ना निकले। और उसके बाद आपने ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ जो हैं वो लॉट के आसपास रख देनी है। डोज वही होनी है, एक टन 10 गोलियाँ, तो उन 10 गोलियों को आप जो है डिफरेंट तरह से रख सकते हैं। और रखने के लिए कोई भी डिस्पोजिबल प्लेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप रख के लॉट के अंदर आप इन गोलियों को रख दें और कम से कम 48 घंटे या 3 दिन तक आपने उसको वहीं पर छोड़ देना है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो एयर टाइट हो, उसमें से कहीं गैस लीक ना हो। दोस्तों, 48 घंटे के बाद आप उस गोलियों की जो है वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ऐश बन चुकी होंगी, और उन गोलियों को आप बाहर किसी भी जगह डंप कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका स्ट्रक्चर स्टील का है जैसे कि बड़ोलास वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जो मेथड है वो ऐसे ही यूज़ होगा कि आपने बड़ोलास को गंदम से फिल कर देना है, भर देना है और ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देनी है। इस एल्युमिनियम फॉस्फाइड की 10 गोली आपने किसी भी प्लेट के अंदर रख के बड़ोलास के ऊपर जो है ढक्कन खोल के रख देना है और उसके ढक्कन को ऊपर से एयर टाइट कर देना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कहीं से भी गैस लीक ना हो, वरना आपके रिज़ल्ट पर असर पड़ सकता है और कीड़े वगैरह जो है वो 100% किल नहीं होंगे। तो वहाँ भी आपने 48 घंटे या 3 दिन तक उसको बंद रखना है, उसके बाद आपने उस प्लेट को निकाल लेना है। जब आप प्लेट को देखेंगे तो वो ऐश बन चुकी होगी, तो उसको आप जो है किसी भी ज़मीन में खड्डा खोद के आप उसको डंप कर सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी गंदम के अंदर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का जो इंसेक्ट है वो जो है अलाइव नहीं मिलेगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल किया। दोस्तों, अगर इस बॉटल की बात करें तो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड है और इनके ब्रांड नेम जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना है, वो एल्युमिनियम फॉस्फाइड के नाम से आपको ये ईज़िली किसी भी केमिकल शॉप से मिल जाएगी। ये 1.5 kg की बोतल है, आप मार्केट में जो है छोटी बॉटल भी अवेलेबल हैं। आपकी जितनी ज़रूरत हो आप उतने हिसाब से आपने बॉटल लेनी है। 10 टैबलेट की भी जो है आपको बॉटल मिल जाएगी, इसके अलावा 100 टैबलेट की मिलती है, 30 टैबलेट की भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो आप इसको जो है यूज़ करें और इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आपको जो वीट है वो भी आपको
साल भर के लिए कीड़ों से फ्री मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा गंदम को स्टोर करने या किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।